हरियाणा जीती कांग्रेस तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हरियाणा के तख्त पर बैठेगा बापू या बेटे को देगा गद्दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राहुल गांधी किसकी करेंगे हरियाणा में ताजपोशी? बापू बेटे का पत्ता काटकर क्या किसी और को बनाएंगे हरियाणा का मुख्यमंत्री? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, तमाम तरह के गणित, तमाम तरह का ज्ञान, तमाम तरह की गोटियां सेट करने में नेताओं से लेकर पार्टियां लगी हुई है। कोशिश यही है कि किसी तरह से 2024 का रण जीतना है और रण जीतकर हरियाणा के तख्त पर बैठना है। लेकिन हरियाणा के तख्त पर बैठने के लिए मेहनत खूब करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत कि पसीना भी बहेगा और साम दाम दंड भेद सारी नीतियां भी लगानी पड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक चल रही है, गुटबाजी इस कदर है कि कई धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। सामने जो धड़े दिख रहे हैं वो दो हैं, एक तरफ हुड्डा और दूसरी तरफ एसआरबी, एसआरबी यानी कि शैलजा सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह। इन दोनों गुटों के बीच ये भयानक जंग कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है और इस बार जो हरियाणा की कमान संभालने का सपना कांग्रेस देख रही है वो सपना तोड़ भी सकती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कांग्रेस हरियाणा जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करते हुए अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का काम करेंगे या फिर राहुल गांधी कोई ऐसा दाव चलेंगे जिससे हर कोई चौंक जाएगा? क्योंकि अपने आप में बेहद अहम सवाल है। अहम सवाल इसलिए है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगता है कि इस बार कांग्रेस जीत रही है और अगर कांग्रेस जीत रही है तो मुख्यमंत्री या तो वो खुद बनेंगे या वो खुद तय करेंगे। इसी बनने और बनाने की कहानी के बीच ही जो दूसरा गुट है उसके अंदर जबरदस्त वाली खलबली मची हुई है और वो गुट भी लगातार कोशिश कर रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे के अलावा किसी और के चेहरे पर यह चुनाव लड़ती है या फिर अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा साफ ही नहीं करती है तो क्या विधानसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए आसान होगा? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस कतार और इस लाइन में बाकी तमाम नेता उनके बाद ही आते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कमान नहीं सौंपती है तो मुश्किलें 2024 में उनके सामने जरूर होगी। एक तरफ गुटबाजी है, दूसरी तरफ अंदर खाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो सकते हैं क्योंकि 2019 में जिस तरह की कहानी बनी थी एक बार फिर से वही कहानी 2024 में भी बन सकती है। आपको याद होगा 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान से नाराज हो गए थे। ये नाराजगी इस कदर बढ़ी थी कि गोहाना में उन्होंने एक रैली की जहां पर कांग्रेस का न झंडा था न डंडा था और वहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन खैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा नहीं किया और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें देर से ही सही लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव की लगाम थमा दी थी। लेकिन यही देरी कांग्रेस के लिए नुकसान दे गई और ये नुकसान ऐसा हुआ कि 2014 के बाद 2019 भी कांग्रेस हरियाणा हार गई। लेकिन क्या एक बार फिर से 2024 में कांग्रेस हाईकमान ये गलती दोहराएगा? इस बात की खैर उम्मीद कम है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर लगातार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस को उन्होंने बापू बेटे की पार्टी बना दिया है तो ऐसे में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तकलीफ तो कांग्रेस के भीतर के नेताओं को जरूर होगी क्योंकि उन्हें भी अब ये लगने लगा है कि उनकी यहाँ चल नहीं रही है। चल अगर किसी की रही है तो वो बापू की या फिर बेटे की। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या कांग्रेस जीतती है तो हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर उनकी चाहत के सामने दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा के तख्त पर बैठाने का काम करेंगे या फिर कुमारी शैलजा की भी लॉटरी यहां पर लग सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।